हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आईवी हॉस्पिटल होशियारपुर, जो कि चंडीगढ़ रोड राम कॉलोनी होशियारपुर में है। आईवी हॉस्पिटल एक लंबी चेन है जो अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही है। आईवी हॉस्पिटल में हर प्रकार की मॉडर्न फैसिलिटी उपलब्ध है। दूर दूर से रोगी यहां आकर अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर गगनदीप जी से बातचीत की, जो कि एक न्यूरोसर्जन है। हमारी टीम ने डॉक्टर तीरथ सिंह जी से भी बातचीत की, जो कि MD मेडिसिन है। आइए लेकर चलते हैं आपको आईवी हॉस्पिटल होशियारपुर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईवी हॉस्पिटल होशियारपुर में और बात कर रहे हैं डॉक्टर गगनदीप जी के साथ, जो कि न्यूरोसर्जन हैं और यहाँ सेवाएं दे रहे हैं पिछले लंबे समय से। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आईवी हॉस्पिटल जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसका पंजाब पूरे पंजाब में छाया हुआ है और जिस तरीके से यहाँ सेवाएं हो रही हैं, क्योंकि न्यूरो कोई न्यूरो वाला पेशेंट है, अगर उसको साथ में न्यूरो के साथ कोई ना कोई और मल्टी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है उसको और आर्थो की है और उसको और किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें न्यूरो के लिए एक पूरा नेटवर्क जो अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आजकल के जमाने में जैसे जैसे ट्रीटमेंट्स एडवांस हो रही हैं, तो उसमें जो सिंगल स्पेशलिटी है उसका जो काम है वो अलग से करना मुश्किल है। तो जैसे जैसे और एडवांसमेंट आ रही है हर पेशेंट को, जैसे किसी को स्टेंट पहले से पड़ा हुआ हार्ट में, जहाँ किसी को प्रॉब्लम है हार्ट की, जहाँ किसी को डायबिटीज हाइपरटेंशन जो कॉमन है, तो वो प्रॉब्लम है और उस ऐसे पेशेंट को कुछ भी न्यूरो की प्रॉब्लम, कोई किसी एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है या स्पाइन की डिजीज हो जाती है, जहाँ चोट लग जाती है, तो ऐसे में इन चीज़ों को मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच का काम नहीं, वो मल्टीपल जो ब्रांचेस उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनकी ज़रूरत है, और जैसे उसमें एक आईवी हॉस्पिटल है जिसकी मल्टीपल चेन्स हैं, तो इसमें जो हमारा कंबाइंड एफर्ट रहता है किसी पेशेंट को ठीक करने में, उसका जो रिजल्ट है वो एक अलग से स्पेशलिटी काम करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो चाहिए, उसमें हमें अच्छे जो एनेस्थेटिस्ट चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट अच्छे चाहिए, मेडिसिन डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए, ICU का बैकअप अच्छा चाहिए, अच्छे OT चाहिए। तो इसीलिए आज ऐसे जो हॉस्पिटल आईवी जैसे हॉस्पिटल है, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं पेशेंट को। तो साहब, जैसे आज का मौसम है, इन दिनों में सर्दी बहुत पड़ रही है और लोगों को अधरंग के अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सीजन है जिसमें ब्लड की जो नाड़ियाँ हैं उसमें खून का जमाव होता है और इन दिनों में खाना पीना भी ज़्यादा हो जाता है, सैर को नहीं जा सकते लोग, क्या कहना चाहेंगे कि यही सीजन क्यों इस चीजों के लिए है कि हम देखते हैं इन चीजों में, इन दिनों में हार्ट अटैक्स भी और ब्रेन के अटैक्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं? देखिए, जो ब्रेन के अटैक्स हैं उनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हार्ट की बीमारियों से है। हमें पता है कि हार्ट की बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, तो ऐसे ही जैसे कोई हार्ट अटैक होता है तो वैसे ही जो कोई क्लॉट हार्ट में बनता है या कुछ उसमें दिक्कत आती है वही ब्रेन तक जाते हैं, तो ये सारे हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड चीज़ ही है जो अधरंग के अटैक होते हैं। और साथ में जैसे कि ब्लड प्रेशर किसी को अनकंट्रोल्ड रहता है तो उससे भी ये सब चीज़ें जो है स्ट्रोक के चांसेस जो बढ़ते हैं, तो ये सारा कुछ रिलेशन हार्ट और ब्रेन का जो अटैक्स हैं वो दोनों आपस में रिलेटेड ही हैं। जैसे इस एरिया में, होशियारपुर के एरिया में आकर मैडम कमल का जो सपना था कि हमने सारे पंजाब में सेवाएं करनी है और इस हॉस्पिटल को जो खोला है, जो कि हिमाचल के बहुत नज़दीक है और हिमाचल में हमें मालूम है कि हेल्थ सर्विसेज का इतना ज़्यादा भाव मतलब वो नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे कि टाइम इज मसल और ऐसी प्रॉब्लम्स जो है, जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स है जिसमें
टाइम का बहुत बड़ा जो फैक्टर रहता है उसके लिए यहाँ आना मतलब बहुत इजी है, मेन रोड के ऊपर स्थित है और बाहर मतलब पूरी दूर दूर की दुनिया से ये परा वाला जो यहाँ का सिस्टम है। देखिए ये बिल्कुल सही चीज आपने बोली है, जो होशियारपुर के एरिया से हिमाचल जो पास है तो वहाँ का बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे कुछ मेजर कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं, तो ऐसे में जो क्रिटिकल बीमारियां होती है जिसमें कि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम ज़्यादा लेट नहीं करें, जैसे किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी दूर सिटी में जाएं वहाँ ट्रीटमेंट, तो कई बार तो ऐसा था कि पेशेंट अपनी जान गंवा देते इतने दूर जाने में, तो ऐसी जगह पे हॉस्पिटल होना ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास सारे के सारे टेस्ट हो जाते हैं, हम टाइमली उसकी बीमारी ढूंढ पाते हैं क्या है, अगर उसकी सर्जरी होनी है वो हम कर पाएं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इस प्लेस की और इस हॉस्पिटल की वो इसी में ही सबसे बड़ी बात है कि इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि लोगों को ये एक्सेसिबल है, हिमाचल के बहुत सारे होशियारपुर के पेशेंट हैं वो अच्छी जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे ले पाते हैं, और दूर और ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी सिटी में जाना उसमें टाइम तो कंज्यूम होता ही होता है, और साथ में जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं जिनको वहाँ पे जाना होगा, जो दो या चार लोग जाते हैं उनको वहाँ रहना और आने जाने की कॉस्ट, तो दूसरी सिटी में सेम ट्रीटमेंट कराने की कॉस्ट डबल हो जाती है क्योंकि वो घर से दूर रहता है, तो ये भी बड़ी बात है कि टाइम भी और मनी दोनों सेव होती है पेशेंट की। सर अगर हम पार्लियामेंट स्कीम्स की बात करें तो यहाँ सारी स्कीम अवेलेबल है और गरीब से गरीब बंदे को ईएसएच की स्कीम वालों को हर तरह की जो है यहाँ फैसिलिटीज, क्योंकि आई भी एक ऐसी चेन है यहाँ पर लोगों को बेवकूफ नहीं बनते लोग आकर, ऐसे नहीं कि कमलों की तरह जो है वो भड़कते फिरते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग से सेल बने हुए हैं, अलग से डिपार्टमेंट है जिसमें लोग आते हैं उनको उसी कार्ड का पूरी पूरी तरह से उसका फायदा होता है, उसको उसका लाभ दिया जाता है, और आईवी हॉस्पिटल हमेशा मोर ही रहा इन चीजों में। और न्यूरो के पेशेंट, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कोई भी हेड इंजरी है और एक्सीडेंट्स रोड एक्सीडेंट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीजें साथ में अटैच हैं और आप इसके लिए यहाँ बैठे हुए। देखिए आईवी हॉस्पिटल में ये सब की सारे के सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो आजकल जो जैसे आईवी हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन आज के जो हॉस्पिटल हैं उसमें हर तरह की इंश्योरेंस और हर तरह के कार्ड, जैसे आयुष्मान और ईसीएचएस की दो जो स्कीम्स हैं जिसमें कि कोई भी जैसे कि कुछ कोई भी जो पुअर लोग हैं, जो वो गरीब है, जो अपना इलाज जो है पहले प्राइवेट में नहीं करवा पाते, लेकिन अभी हमारे एफर्ट्स से या आईवी के एफर्ट से हमने वो उस पेशेंट को जो आयुष्मान में आते हैं या दूसरी स्कीम्स में आते हैं, तो ताकि वो सारे उस स्कीम के अंडर कवर हो पाएँ और अपने मैक्सिमम जो अपना बेनिफिट ले पाएँ, जैसे कई सर्जरीज पहले जो था कि नहीं हो सकती हैं, अभी मैक्सिमम जो प्रोसीजर्स हैं वो आयुष्मान के अंडर ऑपरेट हो पा रहे हैं, और ईसीएचएस तो ऑलरेडी है ही पहले से ही, तो उसमें तो जो भी है पेशेंट्स हर तरह का अपना इलाज यहाँ पर करवा ही पा रहे हैं। सर आपका हमें समय देने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आईवी की चेन जो कि एक सेवा की चेन बनी हुई है पंजाब में, सेवा कर रही है, और मैडम कमल और उनके हस्बैंड जिनका एक विजन है कि हम लोगों ने अभी यहाँ नहीं है, आने वाले समय में वर्ल्ड में जो है अपना ये चेन जो आईवी की है लेकर जानी है, और वो इसमें सक्सेसफुल भी होंगे, सेवा कर रहे हैं, और आप जैसे डॉक्टर्स और यहाँ की टीम खासतौर पर होशियारपुर की हम बात करें, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो एक लड़ी जो प्रयोग हुए, जैसे यहाँ के जीएम साहब जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और हमेशा अपने डॉक्टर्स को काउंसल करते हैं कि भाई हमने सेवा करनी है, सेवा के लिए आए हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, आपका नर्सिंग स्टाफ है, वो सारा सेवा में लगा हुआ है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी हम बात करेंगे यहाँ के मेडिसिन डॉक्टर साहब के साथ जो कि पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, और उनके साथ क्योंकि कोविड का जो सेकंड वेव है वो आने वाली है। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ भी हम अभी शुरू करें। कोविड में है, कोविड के पीरियड में डॉक्टर साहब ने सैकड़ों जाने बचाई हुई है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या नाम है आपका और कैसे आप यहाँ कितनी देर से सेवाएं कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर तीरथ सिंह है जी, मैं MD मेडिसिन मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 6 इयर्स फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड। डॉक्टर तीर्थ जी 6 साल तो जड़ी है अपने सेवावान इतने दे रहे हैं। दसा तुम तो इतों की बैकबोन हो, जिस तरीके मैडम कमल भी जड़े है बड़ा कहें कि उस
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜਬ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਮੇਂ ਬੋਲਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਈ ਵੀ ਵਾਜ ਦਾ ਫਸਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਨਵਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਨਵਰਡ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਐਟਲੀਸਟ 500 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵੇਵਸ ਮੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇ ਤੋ ਹਮੇਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਸਭਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਵੀ ਹਮਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਯੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੋਵਿਡ ਕੇ ਅਭੀ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਲੈਵਲ 2-3 ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਯੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਚੈਸਟ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਯਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ICU ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾ ਹੈ ਯਹਾਂ OT ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਾ ਬਾਪ ਵੀ ਔਰ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਤੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਜਬ ਲਾਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਥੀ ਤੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਯੇ IV ਫਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟਲੀ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਪੇ ਔਰ ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕੁਛ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇਂ ਤੋ ਹਮ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਵੋਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਨ ਥਾ ਬਿਕੋਜ ਭਾਗ ਤੋ ਸਕਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਬ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋ ਤੋ ਆਗੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਤੇ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਤੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਹਮ ਪਿਛੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਆਪਣਾ ਹਟ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਜੀ ਜਾਨ ਸੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਸੇ ਹਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇ ਹਾਰਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨ ਮਈਅਰ ਪਏ ਆਪਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਆਪ ਸੇਵਾਏਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਪਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਪ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਪਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਪ ਉਨਕੋ ਸੇਵਾਏਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਏਂ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨੇਬਲ ਹੈ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਉਨਕੋ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਸਕੋ ਹਾਰਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਏਂ ਦੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਈ ਔਰ ਕਰਾਨੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਐਕਸਰੇ ਕਈ ਔਰ ਕਰਾਨੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਈ ਔਰ ਹੋਤਾ ਹੈ MRI ਕਈ ਔਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਏਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਪੇ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਟੂ ਔਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼
टू हिमाचल आल्सो, एंड इसलिए वो लोकेशन तो बहुत अच्छी है, साफ सुथरा है। बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं, एक पहले पेशेंट आया था, उसने बोला जी कि यहाँ पर तो साफ सफाई ऐसे है जैसे एयरपोर्ट पे होती है, तो साफ सफाई वाइज भी इट्स वेरी गुड। तो ट्रीटमेंट वाइज आल्सो हमारे पास यहाँ पे हम दो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मैं हूँ और एक डॉक्टर रिंकी हैं, हमारी पूरी टीम है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और आईसीयू का स्टाफ है, आईसीयू में मेडिकल ऑफिसर हैं, एमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर अलग हैं, वार्ड में मेडिकल ऑफिसर्स अलग हैं, वहाँ पे बैकअप अलग है, एनेस्थेटिस्ट का बैकअप है। तो कोई भी क्रिटिकल पेशेंट जो आता है वो अच्छी तरह मैनेज किया जाता है, और ये सारी चीज़ें विदाउट सपोर्ट तो नहीं हो सकती, अकेला डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, हमेशा टीम के साथ ही वो काम करता है। ही कैन लीड द टीम, बट टीम हैज टू वर्क। सर आप एक इंस्टीट्यूशन है, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डाटा, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दर्शकों हम लोग बने रहेंगे आईबी हॉस्पिटल के साथ, और आने वाले समय में हम लोग जो और स्पेशलिटीज है, गायनी डिपार्टमेंट है, आर्थो डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट उनके साथ भी हम लोग अटैच रहेंगे डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए। और डॉक्टर तीर्थ नाम तो हमने बहुत सुना हुआ था कि 500 से करीब जो कोविड में इन्होंने पेशेंट्स का सबसे पहले इलाज शुरू किया, और डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं कि जहाँ बाज इंसान है, ये कभी भी घबराते नहीं किसी चीज़ से, और बहुत ही पोलाइट है, घबराने के साथ साथ एक इनमें सेंस है कि हमने लोगों की सेवा करनी है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।